अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम नवाज़। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 जजेस की आसामियों को पुर करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने 9 जजेस के नामों की तजावीज़ के साथ 7 जून 2024 को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुला लिया है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा माजी में जजेस की तैनाती से मुतालिक क्या मौक़िफ़ रखते थे, उस वक्त वो जजेस की सीनियरिटी से लेकर उनके कंडक्ट और फिर चीफ जस्टिस को, जो कि उस वक्त के चीफ जस्टिस थे जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनको खतूत में क्या कुछ कहते रहे और आज अपनी कही सब बातों की नफ़ी कैसे कर रहे हैं, इससे मुतालिक इस व्लॉग में बात करते हैं। और साथ ही कुछ बात ये भी करते हैं कि उस वक्त के जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हालिया जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान जो मुमासलत है उसको मद्देनज़र रखते हुए चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के कंडक्ट में फ़र्क जो आया उस पर अब बार काउंसिल्स खामोश क्यों हैं। उस वक्त यही बार काउंसिल्स चीख चीख के क्या कुछ कहा करती थी और आज क्या कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया, इससे मुतालिक इस व्लॉग में बात करते हैं। तो शुरू यहाँ से करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 जजेस की आसामियाँ खाली हैं और 3 जजेस की नशस्तें खाली होना और उनको जल्दी पुर होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बराह रास्त ताल्लुक आवाम के बुनियादी इंसानी हकूक से है। ये वो वाहिद अदालत है जिसके पास बुनियादी इंसानी हकूक के तहफ्फुज का इख्तियार है और उसके लिए वो खुद नोटिस लेने का भी इख्तियार रखती है और ये इख्तियार किसी और अदालत के पास नहीं है। और इसीलिए अदालत उज़्मा में जब जजेस तैनात होते हैं तो अवामी मसला इसलिए बन जाता है या फिर वो अवामी अहमियत की बात इसलिए होती है क्योंकि वहाँ वो जजेस आने चाहिए जिनको बेस्ट जुडिशल माइंड्स समझा जाए और वो अपने कंडक्ट से ये साबित भी करें कि वो बेस्ट जुडिशल माइंड्स हैं। माजी में जजेस की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के जो इकदार थे वो बहुत आला थे, अभी भी यकीनी तौर पर वही होंगे, लेकिन अब वो कुछ अपनी कही बातों से फिर रहे हैं। वो कैसे इस व्लॉग में बात करते हैं, लेकिन पहले ये बात कर लेते हैं कि अभी हालिया चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जिन 9 जजेस के नाम तजावीज़ किए हैं वो कौन कौन हैं। लाहौर हाईकोर्ट से इस वक्त 2 जजेस लाए जाएंगे और सिंध हाईकोर्ट से 1 जज लाए जाएंगे और इसलिए चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने लाहौर हाईकोर्ट के सीनियर तरीन 6 जजेस और सिंध हाईकोर्ट के सीनियर तरीन 3 जजेस के नाम तजावीज़ किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 नशस्तें तब खाली हुई, तकरीबन अब 2-3 माह होने वाले हैं, जनवरी में जब जस्टिस इजाज़ुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने 10 और 11 जनवरी को अपने अपने ओहदों से फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दिया तब 2 नशस्तें खाली हुई। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 15 जजेस काम कर रहे थे 17 में से और उसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद 10 मार्च 2024 को रिटायर हो गए और उनकी रिटायरमेंट के बाद एक और सीट खाली हो गई और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 1 नशस्त खाली थी। और इस तरह सुप्रीम कोर्ट में जो नशस्तें खाली थीं वो जस्टिस सरदार तारिक के रिटायर होने के बाद 14 रह जाती, लेकिन इस दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान को पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया गया तो वो जो खाली का हिंसा था वो कुछ 14 पर ही रहा और अब 3 नशस्तें खाली हैं और उन 3 नशस्तों को पुर करने के लिए चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद खान, उसके अलावा सीनियर तरीन जज जो कि लाहौर हाईकोर्ट के हैं शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी, उसके अलावा एक खातून जज जस्टिस आलिया नीलम और उसके अलावा जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस आबिद अजीज शेख के नाम लाहौर हाईकोर्ट से तजवीज़ किए गए हैं जिनमें से 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएंगे। उसके अलावा सिंध हाईकोर्ट के जिन 3 जजेस के नाम तजवीज़ किए गए हैं उनमें चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, उसके अलावा जस्टिस शफी सिद्दीकी और तीसरा जो नाम है वो जस्टिस नेमतुल्ला पलपोटो का है। अब सिंध हाईकोर्ट के जजेस के नामों के साथ एक कंट्रोवर्सी जुड़ी है और वो ये कि अगर आपको याद हो तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ था 28 जुलाई 2022 को, तब एक लड़ाई निकल आई थी उससे और वो ये कि तब जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनके पास चांस ये था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास कि उन्होंने 5 जजेस तैनात करने थे और उन्होंने तब 5 जजेस के नाम तजवीज़ किए थे सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए। उन 5 जजेस के नाम पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस कैसर रशीद खान थे, उसके अलावा सिंध हाई कोर्ट के 3 जजेस के नाम तजवीज़ किए थे जस्टिस उमर अता बंदयाल ने और वो तीनों ही नाम रिजेक्ट हुए थे जिसमें जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस नेमतुल्ला पलपोटो शामिल हैं। ये 2 वही जजेस हैं जो कि अभी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने तजवीज़ किए हैं और 1 जज ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गए हैं और ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में आ गए थे। उसके अलावा जो 5वें जज थे वो जस्टिस शाहिद वहीद थे। अब जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी को
उस इजलास में तो नहीं फाइनलाइज किया जा सका था, लेकिन फिर उसी साल बाद में अक्टूबर में इजलास हुआ था जुडिशल कमीशन का, और उसमें ये दो जजेज आ गए थे और इनके साथ जस्टिस अतर मेनिल्ला भी थे। तो खैर, ये सारा जो मामला था ये अगर एक तरफ रखें हम, तो 28 जुलाई 2022 के इजलास में क्या हुआ था? इजलास में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जो तजवीज़ करदा नाम थे उन पर इतफाक नहीं हो सका था। जूनियर सीनियर जजेस वाला रोला था, ये कहा जा रहा था कि आप जूनियर जजेस सिंध हाई कोर्ट से नहीं ला सकते। और फिर उस वक्त एक मेजॉरिटी बनी, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो कि उस वक्त जज थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कि जुडिशल कमीशन के मेंबर थे, उसके अलावा अटर्नी जनरल उस वक्त क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, साल 2022 में ही तहरीक अदम एतमाद आई थी, इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा गया और उसके बाद पीजीएम की हुकूमत आई थी, तो अटर्नी जनरल अश्तर उसाफ थे और वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ही थे, और उस वक्त जो रिटायर्ड जज थे और मेम्बर बार थे अख्तर हुसैन, रिटायर्ड जज सरमद जलाल उस्मानी थे, वो सब जुडिशल कमीशन के मेंबर थे। और जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा उस वक्त जज थे, उनको मेजॉरिटी हासिल हुई जब उनका साथ हुकूमत ने भी दिया, मेंबर बार ने भी दिया, और इस तरह ये पांच लोग यानी जस्टिस सरदार तारिक, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, उसके अलावा जो अटर्नी जनरल और वजीर कानून थे और मेंबर बार अख्तर सिद्दीकी, इन पांचों ने जस्टिस उमर अता बंदयाल के, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे उस वक्त, उनके तजवीज़ करदा नामों को अपोज किया और जस्टिस कैसर रशीद खान के नाम पर इतफाक हो गया था, लेकिन वो जुडिशल कमीशन का इजलास एब्रप्टली ख़त्म हुआ। और उसके ख़त्म होने के बाद अगर आपको याद हो तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एक ख़त लिखा था, और उस ख़त के अंदर जुडिशल कमीशन मेंबरान के नाम ये कहा गया था कि आप ने जो इजलास मुलतवी किया उसमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाज़ुल अहसन के साथ अचानक इजलास छोड़ के चले गए और कोई फैसला नहीं किया था, क्योंकि 28 जुलाई को ही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक प्रेस रिलीज सामने आई थी पीआरओ के जरिए सुप्रीम कोर्ट के, और उसमें यह कहा गया था कि इजलास में अभी कोई फिलहाल फैसला नहीं हुआ और इसको दोबारा देखा जाएगा। तो उसके बाद खतूत का एक सिलसिला चला, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा उस वक्त जज थे, उसके अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद, इन दोनों ने ख़त लिखे और इन दोनों ने ये कहा कि जो इजलास था वो एब्रप्टली ख़त्म हुआ और उसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल अचानक चले गए। उसके बाद जो ये सारा मामला था इसमें शफाफियत की बुनियाद बना के पहली बार तारीख में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ऑडियो को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया गया था, और उस ऑडियो के अंदर, उस ऑडियो के ज़रिए ये जाहिर हुआ था कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो जस्टिस नेमतुल्ला पलपोटो हैं उनके कंडक्ट से मुतालिक ये बात कर रहे थे कि वो किस तरह से वहाँ के जो सिंध के वकला हैं उनके मुताबिक उनका कंडक्ट जो है वो कितना ख़राब है और वो बतौर जज बिल्कुल भी फिट नहीं है, ना तो सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए और ना ही वहाँ रखने के लिए। बाद में जस्टिस सरदार तारिक मसूद ज़रूर इस बात की क्लैरिटी करते रहे, लेकिन उस वक्त की ऑडियो में ऐसे ही हुआ था। लेकिन खैर, वो ऑडियो लीक गलत इकदाम था, और उस ऑडियो से, ऑडियो लीक तो हम नहीं कहेंगे, जारी की गई थी ऑडियो, लेकिन उस ऑडियो से ये वाजे हुआ था कि किस तरह से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इन जजेस की डिस्कशन की गई। उसके बाद उसी साल यानी इस जुडिशल कमीशन इजलास के 7 रोज़ बाद जुडिशल कमीशन के ही मेंबर थे, सिंध हाई कोर्ट से ही आए थे जस्टिस सज्जाद अली शाह, उन्होंने ख़त लिखकर जुडिशल कमीशन के नाम ये अपने जो उनके तहफ़ुज़ात थे उनसे आगाह किया और कहा कि कैसे आप सिंध हाई कोर्ट के जजेस की इंटेग्रिटी पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंध हाई कोर्ट के बहुत से जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं और वो गारंटी देते हैं कि किसी भी जज के कंडक्ट के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। उसके बाद बार काउंसिल के नुमाइंदे जो हैं अख्तर सिद्दीकी, जो कि इस वक्त भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने भी ख़त लिखा था और उन्होंने ये कहा था कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऐसे जवाबित बनाए जाएं, रूल्स बनाए जाएं जो कि शफाफियत लाएं, सीनियर तरीन जजों को सुप्रीम कोर्ट तैनात करने का तरीक़ेकार लाएं। बार काउंसिल्स पिछले एक अरसे से, ख़ास तौर पर जस्टिस बंदयाल के दौर में, बार बार ये बात कहती रहीं कि सीनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया जाए। खैर, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अहदा संभाला तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनको इतने ज़्यादा जजेस लगाने पड़ सकते हैं, यही उम्मीद की जा रही थी कि वो दो ही जजेस लगाएंगे, एक तो जो जस्टिस बंदयाल की जगह अहदा खाली हुआ था और उसके अलावा जो जस्टिस सरदार तारिक का अहदा खाली होगा। लेकिन हुआ कुछ ये कि जस्टिस इजाज़ुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी इस्तीफ़ा दे गए और इस तरह चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के पास भी 4 जजेस लगाने का मौका आया, जिनमें से अभी तक उन्होंने सिर्फ एक जज तैनात किए हैं और वो एक जज जस्टिस नईम अख्तर अफगान हैं, और वो भी उन्होंने आके इस साल फरवरी में तैनात किए, उससे पहले वो अहदा भी खाली था। और अब 3 जजेस की नशस्तें पिछले 2 माह से तो तकरीबन खाली पड़ी हैं, उससे पहले जस्टिस सरदार तारिक की मौजूदगी में भी 2 जजेस की नशस्तें खाली थी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस इंतज़ार में थी
कि जो जुडिशल कमीशन के यानी जजेस तैनाती के तरीक़ेकार बनाने के लिए एक सब कमेटी बनाई गई थी, जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके साथ जो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं जस्टिस मंजूर मलिक, उनकी सरबराही में उस कमेटी के दिए गए रूल्स को कंसिडर किया जाएगा। वो कमेटी रूल्स देगी, उनको JCP फाइनलाइज करेगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस तैनात होंगे। और इस वजह से अब तक सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनात नहीं हो सके थे, उस जुडिशल कमीशन की जो सब कमेटी है उसने रूल्स बना कर दिए। और जब रूल्स बना के दिए तो वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारर, जो कि साल 2022 में भी वफाकी वजीर कानून थे, उन्होंने ये बताया कि हुकूमत तो कोई आईनी तरमीम लाने वाली है और हुकूमत आईनी तरमीम लाने की अहल नहीं है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत के पास अगर तो कौमी असम्बली में खींचतान के रिजर्व सीट्स वाला मामला तय होने के बाद कहीं से दो तहाई अक्सरियत निकल भी आती है तो सेनेट में उनको दो तहाई अक्सरियत हासिल नहीं है, तो वो जजेस तैनाती के तरीक़ेकार में आईनी तरमीम कैसे ला सकते हैं। लेकिन उनकी बात पर इन्हसार करते हुए दो हफ्ते कबल जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी कर दिया गया और साथ ही ये तय हुआ कि पुराने तरीक़ेकार से ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस लाए जाएंगे। अब माजी में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा सीनियोरिटी के असूल को तो मद्देनज़र रखने को कहते थे, लेकिन उस वक्त जब जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी के नाम दोबारा से जस्टिस बंदयाल ने तजवीज़ किए थे अक्टूबर 2022 के इजलास में, तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने एक और ख़त लिख के उनके नाम ये कहा था कि जो पहले नाम हम रिजेक्ट कर चुके जुडिशल कमीशन में उनको दोबारा तजवीज़ ना करें। उस वक्त जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम पर इतफाक़ नहीं हो सका था, लेकिन अब खुद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने बतौर चेयरमैन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जस्टिस शफी सिद्दीकी का नाम दिया है, जो कि ऑलरेडी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा रिजेक्ट कर चुकी, और इस तरह उन्होंने अपनी कही बात की नफी की। ये भी कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने शफाफियत के असूल को बरकरार रखने के लिए सीनियर जजेस के नाम तजवीज़ किए हैं और बहुत ज़्यादा जजेस के किए हैं, और उनमें से 3 जजेस को चुन लिया जाएगा जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ठीक लगेंगे। अब इन 3 जजेस में से अगर सिर्फ सिंध हाई कोर्ट की मिसाल लें तो अगर जस्टिस शफी सिद्दीकी 2022 में फिट नहीं थे सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए, उस वक्त आप जूनियर जजेस लेकर भी आए, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी को लेकर आए, जस्ट उससे पहले जस्टिस गुलजार के दौर में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को लेकर आए, और इन दोनों जजेस को की तैनाती को चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक अपोज करते रहे, तो अब वही उन्हीं जजेस में से जस्टिस शफी सिद्दीकी कैसे सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए अहल हैं? अब क्या मौकफ होगा चीफ जस्टिस का, जबकि वो खुद तजवीज़ दे रहे हैं नामों की, तो फिर उनके पास क्या डिफेंस है इसी नाम की तजवीज़ देने के लिए, जब वो एक मरतबा ख़त लिख चुके अक्टूबर 2022 में कि आपको वही जज वापस नहीं लाना चाहिए, और उनमें जस्टिस शफी सिद्दीकी भी थे। खैर, उसके अलावा जो दूसरे जज हैं जस्टिस नेमतुल्ला पलपोटो, उनका मसला सिर्फ सीनियोरिटी नहीं बयान किया गया था तब, बल्कि उनका कंडक्ट भी वजह बनाया गया था उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ना लाने की, तो आज क्या वजह बनाई जाएगी कि क्या अब वो सीनियर हो गए तो उनका कंडक्ट भी बेहतर हो गया और वो सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए फिट हो गए? ये उनके कंडक्ट पर सवाल मैं नहीं उठा रही, उनके कंडक्ट पर सवाल उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक ने उठाया था और ये कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाए जा सकते, और अगर उनका कंडक्ट ठीक नहीं था तो उस वक्त ये भी सवाल हुआ था कि कैसे फिर आप सिंध हाई कोर्ट में उन जजेस को रहने देते हो जिनको आप सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके आते। उसके अलावा पिछले 2-3 साल में, बल्कि कई सालों से हम ये सुनते आए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस लाए जाएँ, तो फिर सीनियर तरीन जजेस को लाने के लिए अब बाकी ऑप्शंस पर गौर क्यों किया जा रहा है? क्या चूज़ द बेस्ट हो रहा है? यही होता था तब भी, अगर लाहौर हाई कोर्ट के आप 6 नंबर के सीनियोरिटी के जज को सुप्रीम कोर्ट लेकर आएंगे तो फिर वो सीनियोरिटी वाला असूल कहाँ गया? अगर आप उनके जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान, उनको लेकर आएंगे तो मौजूदा जो बार काउंसिल्स की उनके खिलाफ महाजराई है क्या उसके तनाजुर में लेकर आएंगे? इसी तरह अगर आप सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अकील अब्बासी को ही लाएंगे तो बाकी दोनों जजेस के नाम क्यों तजवीज़ किए? माजी में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की नशस्तें खाली रहने पर भी ये सवाल उठाते थे कि कैसे आप 30% या 33% नशस्तें खाली रख के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चला सकते हो, ये तो सुप्रीम कोर्ट को डिसफंक्शनल करने के बराबर है। तो फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने भी नए JCP रूल्स के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस तैनात ना करके गैर फ़ाली नहीं रखी? क्या ये दोहरा मयार नहीं है कि जब आप चीफ जस्टिस नहीं थे तो तब आपको वो सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आवाम के जो एतमाद है उसके ख़िलाफ़ लगती थी, लेकिन अब वही सब चीज़ें ठीक लगती हैं? क्या अब इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए कि जब आप चीफ जस्टिस के मनसब पर आकर बैठते हैं
तो फिर कुछ डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स बदल जाती हैं और फिर आपको उसी तरीके से चलना पड़ता है जिससे सब चलते हैं। तो फिर माजी के तमाम एतराज़ात, माजी के तमाम खतूत, माजी की ट्रांसपेरेंसी, अवामी एतमाद के सवालात अब कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी जजेस तैनाती का इजलास 7 जून को होगा, जब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह वापस आ जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिर हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इन 9 जजेस में से जो बेहतरीन जजेस होंगे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएंगे। और उम्मीद है कि जो सीनियोरिटी का असूल बार काउंसिल्स एक अरसे से उसका ढोल पीट रही थी, अब वो दोबारा ये डिमांड नहीं करेंगी। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़ के साथ साथ जो तमाम तर मुकदमात हैं, अवामी मुकदमात, उनको सुनने के लिए जजेस की सिर्फ सीनियोरिटी नहीं चाहिए होती, बल्कि एक जज की क्रेडिबिलिटी, उसकी दानिश, उसकी अकल, उसकी समझ, उसकी इंटेग्रिटी, उसके तरीक़ेकार, उसके तमाम तर कंडक्ट को मद्देनज़र रख के, उसके केस निपटाने के तरीक़ेकार, उसके अभी तक के जो केसेस के फैसले हैं वो कितनी जल्द फैसले कर लेता है, ये सब कुछ मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। तो अब फिर ये देखना है कि क्या बार काउंसिल्स अपने सीनियोरिटी के असूल को मज़ीद पीटेंगी, क्या जुडिशल कमीशन के रूल्स के अंदर शफाफियत लाने का मुतालबा इन जजेस की तैनाती से पहले भी करेंगी। जवाब नफ़ी में ही है, माजी में भी यही बार काउंसिल्स थी, इन्होंने ऐसा करने की कोशिश की, तब हर जज की तैनाती के ऊपर रोला मचता था, लेकिन अब खामोशी है। देखते हैं कि बार काउंसिल 7 जून 2024 को होने वाले इजलास से पहले कुछ करती हैं या फिर खामोशी से इन्हीं जजेस के ऊपर गौर करेंगी और फिर कोई जज, कोई अच्छा मुनसिफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ला कर तैनात कर दिया जाएगा। हमें उम्मीद यही करनी चाहिए कि जो भी नाम तजवीज़ किए गए हैं उनमें से कोई बेहतर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए, जो अवामी जो मुकदमात हैं उनका जल्द से जल्द फैसला करे और जो अवामी मुकदमात हैं उनमें अपने जो ज़ाती अनाद या अपने ज़ाती जो जानिबदारी है उसको लेकर ना चले। इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।